देखिए, पुल का एक हिस्सा जो है आज से 6 महीना पहले गिरा था, और उस समय माननीय नीतीश जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उनका जवाब सीधा था। उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और जांच में जो रिपोर्ट आएगी, जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि हाल में जो रिपोर्ट आई है कि आईटी सेक्टर रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट का जो प्रतिवेदन है बिहार सरकार को सौंप दिया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बड़ी खामियां थी, बावजूद बिहार सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तक हमने देखा कि उसका दूसरा हिस्सा भी, दूसरे भाग का दूसरा हिस्सा भी गिर गया। मैं समझता हूं कि बिहार सरकार आज इतनी लचर स्थिति में है और माननीय मुख्यमंत्री इतने दिनहीन हो चुके हैं, वो कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि पूरे जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त, एक तो सरकार खुद ही लिप्त है और उसके जितने अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए आईटी रिपोर्ट, रुड़की की रिपोर्ट आने के बावजूद भी न तो कार्रवाई हुई और आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, फिर जांच होगी और कार्रवाई होगी। तो ये बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है माननीय मुख्यमंत्री।